परमात्मा को प्राप्त किया। इधर देखिए कौन भगवान को प्राप्त होती है, क्या बात कि एक रोज शकुनी बाबा से बोल उठा है दुर्योधन, आंखों में मेरे को एक रोज शकुनी मामा से बोल उठा है दुर्योधन, खटक रहे आंखों में मेरे जब तक ये पाचो जिंदा है दूर में दिल के हुए जल सामने तो सुनिएगा सबने बोला दिलिए घर से कान खोल सुन ले आपल नरेन जी पवन पाचो से रक्षक तुम के श्री कसर सामने लाठी न टूटे तो सामने लाठी न टूटे बदला का हो एक चपल शंकर जी की कृपा से वरदान मिला मुझको ऐसा लिखो पत्यम धर्मराज को लेकर चल देना धावल लगा हुआ दरबार कांड का पहुंच गए जाकर फारल यादे राम गोपाल को दीना सरस्वती गान का फल सरस्वती गान का फल अब आगे कलम चलाया है भीम मुकुल साधी पूछते भैया क्या लिखवाया है जगाबाज मुख्तार ने क्या कपट का जाल बिछाया है जुआ खेलने का नौका दुर्योधन ने भजवाया है अगर खेलने ना जानो भारी अपमान कमाया है पांचों भाई चले साथ में फौरन कदम बढ़ाया है पांचों को देखा दुर्योधन मन ही मन हंसाया है शिकार मेरे जाल में फंस में खुद ही चलकर आया है जो जो की भाषण जुआ की दुर्योधन बतलाया है सरो हुआ चो सर पचो सर गया तो तुरंत छाया है प्रोधा जी हदरी किस कार में उतराया है यादे राम गोपाल को बिरहा आज ना में गाया है गार दिया मैदान में झंडा कहीं हो करके नंगी पंचाली का जान दियो दिखा सुनो नाक नगर के मर जाए हो को भोला पई हो पार सुने कर्मा भूजे भाव नहीं कहला वे लंबा तो कहला वे लंबर दार दोष तो सच्चा है बया बचा दुसा संजा करके महलों तेरे दरबार बोला द्रौपदी शेरी कब ऐसे वो जवान तुमको बुलावे भाई मेरा धरिए सुनिए ध्यान जल्दी चलो तुम साथ मेरे करिए तुम परस्थान बोली द्रौपदी अकल में पत्थर पड़े गए शिरमाल इतना सुन करके महा दुष्ट झुल्लाया है शैताल लिखते है राम गोपाल सदा बेदोष मिश्रे छाल वो छान दिया बेदोष मिश्रा सहाल राजी सुनो सहाल महा दुष्ट भूसा सुनिया वो केस पकड़ा गा खींचल खड़ा किया है राह सभा में आगे हाल सुनो सचल कहा दुर्योधन दूसा सन से बात मेरी सुनिए सर तो आश्रय मैदान के अंदर कर दो उसका चीर हमारे करके बंदे पंचाली को बैठाऊ मेरे जगह मजा जिंदगी का चाहे तो कर लो प्यारे कुछ बिरहा भी गाई है एक टुकड़ा चतौनी में मजा नहीं आता ध्यान दीजिएगा दुर्योधन कह लगा किसको नंगी करके मेरे जगह पे बैठा उधर आपका जवाब यहाँ से लगता उधर भगवान कन्हैया कैसे मिलते हैं द्रौपदी को द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करने लगी जब देखा कि द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कृपाचार्य अश्वत्थामा और पांच पांच पति हमारे बैठे हैं कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है रोने लगी और भगवान
कन्हैया को याद करती है। कवि ने क्या लिखा, एक गीत ना मार्शल भैया, किल्ला जिया बचाइला बिरला बिगरी बनाई दा और सभा बीच तेरे तोहरी बहनिया हो, सभा बीच तेरे तोहरी बहनिया अरे बहनिया हो, साधा बीच तेरे तुम्हारी बहनिया हो, तेरे बिरला लाज के बचा। I'm happy.
कर कन्हैया भाए है तब गए सबाई सारे सुन कर कन्हैया धाये है तब गए समाई साड़ी माँ रंग रंग के कलाकार वो हमने बुलाई साड़ी माँ बदलावी गुल बस लहावी तुम्हें बताई साड़ी माँ ठाकरानी ये जाफरानी शायर बुनाई साड़ी माँ बुलतानी पर धार पिया जी तुम्हें लिखाई साड़ी माँ सारी में मारी नारी आ गई समाई साड़ी माँ कहते राम गोपाल करो शायर कब शायर कविताई सारी माँ सच्चा है प्रस्ताव सुनो राज रखी द्रुपति की अर्थम नटवर्क शर्मदार सुनो खींचा खींचा दुष्ट प्रशासन बोल गया जब हार सुनो चाय किनारे बैठा है संध्या चरण में डार सुनो लाजपति द्रुपति की अर्थ होता है जय जयकार सुनो आज जवाबी कहो गवैया सुनो काटे राम गोपाल गाल साचे जब द्रौपदी की लाज बढ़ गई तो महिलाओं की एक आदत होती है कि हुई अगर जोश में आ जाए तो पता नहीं क्या बोल दिए। जब भगवान कन्हैया ने लाज रखा तो द्रौपदी कहती क्या कि खींच दुशासन जोर लगाई के करण अमर विकरण का बुलाई जूठन सारी हमार परी कही के मिहरारू का तू पहनाई ले अरे तन न हमारी तन की सा खुले चाह पापी तू कतन उज्जोर लगाई ले अरे यतने पे बस ना ही चले अपने आधरे पपवू का तो बोली एक ऐसी चीज होती है वही बोली से आपको सम्मान मिले और वही बोली अगर गड़बड़ा जाए तो आप अपमानित हो जाए। इसलिए द्रौपदी ने केवल एक बात कहा था कि अंधे के औलाद क्या तुझे नहीं दिखाई देता है उसी को महाभारत हो गया। और फिर द्रौपदी बोली कि अतने अपने पास ना ही चले अपने धरे बपो अनेक कहूं चूकी नहीं द्रौपदी बोलती हूँ भैया ने बहन की लाज रखी। ये था तुम्हारे गीत का जवाब और आपने एक जोर से गीत गाया सती अनुसुईया से बढ़कर के कोई नारी नहीं है और बंदा ने क्या क्या किया बहुत सुंदर जवाब लेकिन मैं तब से जवाब कहना क्या है इसे जवाब किसे कहते हैं हरिशंकर जी जवाब किसे कहते हैं सुनिए।